बहुत बहुत स्वागत है आप सबका राखी की पाठशाला चैनल में। सब्सक्राइब फॉर स्टडी रिलेटेड वीडियोस, बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल राखी की पाठशाला में। आज हम बात करेंगे 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी। इससे पहले हम देख लेते हैं मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। आरएस फैक्टर संबंधित है, तो जो आरएस फैक्टर है ये संबंधित है रक्त से संबंधित है। आरएस फैक्टर की खोजकर्ता तो ये है लैंडस्टीनर एवं विनर। रक्त एक विलयन है, कौन सा? क्षारीय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी वो है फीमर। टीबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टैपीज है, जो कान में होती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कैल्शियम और फास्फोरस अति आवश्यक तत्व हैं। प्रामस्तिष्क या सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर में 65-80% तक जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में लाल रक्त कण को निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जो श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। आरबीसीस का जीवन काल 120 दिन और डब्ल्यूबीसीस का जीवन काल 2-5 दिन। तो जो हमारी पार्ट वन वीडियो थी उसमें 41 तक के क्वेश्चंस हो गए थे। 42 है, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो वो होता है एनामेल। 43 है, मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये है केरोटीन। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, कौन सी होती है? तो ये है यकृत। यकृत क्या है? या फिर लिवर। 45 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो वो है त्वचा। मानव शरीर में सबसे लंबा सेल कौन सा होता है? तो मानव शरीर में सबसे लंबा सेल न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 47 है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये है फीमर, जांग की हड्डी। 48 है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये है स्टैपीज, ये मध्य कान में होती है। 49 है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहलाती है, तो ये कहलाती है जबड़े की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय रस में रहता है? तो इसके ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, एस्कॉर्बिक। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक। 51 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल